ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम आज हनुमान जयंती है श्री हनुमान जी का बालाजी का जन्मदिन है और अभी हनुमान जी की पूजा की गई अभी बहुत सारे भक्तजन थे अभी हनुमान जी को प्रसन्न करने हैं तो पूजा की गई तो आज मैं आपको अपने जीवन के गुड़ रहस्य की बात बता रहा हूँ साथ ही आपको ये भी बता रहा हूँ कि आप सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर रहे हैं चाहे आप पूजा भक्ति कर रहे हैं या आप कोई सिद्धि साधना कर रहे हैं आपको सफलता क्यों नहीं मिल रही है उसके पीछे क्या कारण है क्या उसके पीछे रीजन है तो वो मैं सभी आज आपको करमबाई बचत बता रहा हूं देखो सबसे बड़ा एक नियम होता है वो नियम क्या होता है ये गलतियां मैंने भी की जो मैं बता रहा हूं और ये गलती आप लोग भी कर रहे हैं वो गलती क्या होती है वो गलती होती है ये कि एक साधे सब सधे इस दो शब्दों में मैंने पूरा वीडियो को निचोड़ बता दिया है एक साधे सब सदे मैं भी यही गलती करा करता था कि मैं भगवान शिव की भी पूजा माता की भी पूजा हनुमान जी की भी पूजा एक हमारे यहाँ पीर थे उनकी भी पूजा मैं कई पूजाएं कई देवताओं की एक साथ पूजा किया करता था करनी चाहिए कोई आपत्ति नहीं है करनी चाहिए लेकिन जब तक आप अपनी बागडोर किसी एक के हाथ में नहीं सौंपेंगे अब बहुत सारे भक्त ऐसे भी कहेंगे कि हम न तो हम तो सारी जिंदगी हो होगी एक ही पूजते आ रहे हैं लेकिन हमें सफलता क्यों नहीं मिल रही उसका भी बताऊंगा क्यों नहीं मिल रही उसका भी कारण है उसे क्यों नहीं प्राप्त हो रही है देखो जब तक आप अपनी बागडोर किसी एक देवता के हाथ में नहीं सौंपेंगे जब तक आप अपना एक इष्ट नहीं बनाएंगे अपना सर्वोपरि एक नहीं बनाएंगे तब तक आप भटकते रहेंगे जैसे कि एक कामी पुरुष कभी कहीं भटकता है कभी कहीं भटकता है लेकिन जिस जिस समय उसकी शादी हो जाती है तो वह शादी के बंधन में बंध जाता है उसके साथ एक स्त्री बंध जाती है तो वह एक जगह स्थिर हो जाता है भले ही ही फिर बार कहीं भी भटकता रहे लेकिन उसे सुकून आकर अपने घर पर ही मिलता है तो इसी प्रकार जब तक अपना कर्ता धर्ता आप अपना इष्ट एक नहीं बनाओगे अब सवाल आता है कि इष्ट हमें कैसे बनाना चाहिए इष्ट कैसे बनता है हम किसको अपना इष्ट माने हम तो अनेकों देवताओं की पूजा करते हैं तो किसको हम अपना ये समझेंगे भाई हमारा ये इष्ट है ये हमारे लिए ठीक रहेगा तो इसको हमें पूछना चाहिए नहीं पूछे तो इसके लिए आप क्या करना चाहिए इसके लिए मैंने बहुत बहुत सारी वीडियो बता रखी है पहले भी कि आप अपना इष्ट कैसे चयन कर सकते हैं कौन हमारा इष्ट है इसको हमें पूछना चाहिए इस विषय में वीडियो बना रखी है अगर इसी में बताऊंगा तो लंबी हो जाएगी तो पहले तो आप अपना इष्ट चयन करें जहां पर आपका मन हो जो आपका अच्छा लगे जो मन से बार बार जिसका सुब्रम अनायासी हो रहा हो तो ऐसा एक इष्ट चयन करें उस इष्ट को चयन करने के बाद आपको इस चीज का विषय ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं घर की कुल देवी तो कोई नाराज नहीं है घर की कोई शक्ति तो नाराज नहीं है यदि घर की कुल देवी या कोई घर की कोई शक्ति जिस शक्ति को देवता को कुल देवी को देवता घर में हम पूजते हैं यदि वह रुष्ट है तो फिर आपकी आप, आप चाहे किसी को भी अपना इष्ट बना ले किसी की भी आप दिन रात सेवा करते रहें तो आप उसमें प्रांगत नहीं हो पाएंगे आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे पहले घर की कुल देवी को सामने करें उसको या कुल देवता को उसको प्रसन्न कर उसका भोग प्रसाद देकर फिर आप जब भी इष्ट देवता को अपना जिसको भी अपना सर्वर विपरी मानते हैं उसको उसके चरणों में अपने आप को नौछावर कर दें कंटिन्यू उसकी भक्ति में लीन हो जाए उसकी भक्ति करते रहे दिन रात सिर्फ उसी का सुमिरन करें इसके अलावा आप ये नहीं मैं कह रहा हूं कि आप अन्य देवताओं का सुमिरन ना करें आप अन्य देवताओं का आपके भी करें मान लिया आपके इष्ट श्री हनुमान जी हैं या भगवान शंकर हैं तो मैं ये नहीं कहूंगा आपके हनुमान जी हैं तो आप श्री रामचंद्र जी को पूजा छोड़ दें या भगवान शंकर को छोड़ना पूजा छोड़ दे माता महा माता सत्यो को पूजना छोड़ दें या फिर आप दुर्गा भवानी इत्यादि अनेक सत्यों को आप पूजना छोड़ दें ऐसा नहीं है लेकिन इष्ट एक बना लें एक बना रात दिन उसके सुमिरन करें उसके अलावा जब दिन होता है जब जैसे जन्माष्टमी तो है तो कृष्ण जी की पूजा कृष्ण जी करें भगवान विष्णु को बृहस्पतिवार की करें और लक्ष्मी की शुक्रवार में पूजा करें कोई आपत्ति नहीं है उनकी पूजा करें लेकिन अपना करता धरता एक ही बनाकर रखे कारण कारण क्या होता है कि एक बात आप समझ ले आपने दस मित्र बनाए और जिस समय आप संकट में फंसे होंगे उस समय आपने आवाज लगाई दस के दस मित्र खड़े थे दस के दस को आपने सूचना की फोन पे उसे कहा उसे कहा उसे कहा उसे कहा लेकिन वो दूसरे एक दूसरे को ये सोचेंगे कि चल यार मुझे टाइम नहीं है वो चला जाएगा वो सोचेगा मुझे टाइम नहीं है वो चला जाएगा मुझे आज ये काम है आज वो चला जाएगा तो करते करते क्या होगा कि उन दस के दस मित्रों में से समय पर कोई सा भी नहीं आ पाएगा कारण कि एक दूसरे के भरोसे रह जाएंगे तो इसी प्रकार आप पहले एक गुरु वाह यदि आपका एक ही इष्ट है आपका एक ही देवता है तो जब भी आप उसे पुकारेंगे उसे पता है कि मेरा मेरे सेवा इसका कोई नहीं है ये बेचारा मेरे ही आश्रित रहता है अब आप कहेंगे जी हमें इस प्रकार भक्ति करते तो बहुत समय बीत गया हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं बीस साल हो गए पच्चीस साल हो गए तीस साल हो गए या भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं इतने साल हो गए लेकिन हमें कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है हमें कोई भी सिद्धि साधना में सफलता नहीं मिल रही है हम परेशान हैं फिर भी हमें कोई सहायता नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए हम क्या करें देखो ऐसा भी मैंने बहुत सारे भक्तों के साथ में देखा कि उन्हें काफी काफी वर्ष हो गए भक्ति करते हुए लेकिन उन्हें कोई विशेष अनुकंपा विशेष सफलता कोई प्राप्त नहीं हुई तो उसके पीछे कारण होता है अपनी लगन का जी हाँ बिल्कुल सत्य बात है ये सब कमी होती है अपनी लगन की जब श्रद्धा विश्वास के साथ हमारी किसी चीज को लगन लग जाती है अब आप कहेंगे नहीं ऐसे कुछ नहीं हम पूरे श्रद्धा भाव के साथ भक्ति करते हैं पूरी श्रद्धा भाव के साथ हम भगवान की भक्ति करते हैं तो मैं इस विषय में एक बात बता दे रहा हूं कि गुरु थे और वो अपने शिष्य को उपदेश दिया करते थे एक बार उनके पास एक शिष्य ने आकर कहा कि गुरुदेव मैं बड़ी सदा भक्ति के साथ भगवान की भक्ति करता हूं, बड़ी भक्ति करता बड़ी के साथ लेकिन मुझे फिर भी ईश्वर के साथ सत्कार नहीं हो रहे हैं ईश्वर की भक्ति करने के बाद भी सेवा करने के बाद भी उनका कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है तो इसके लिए मैं क्या करूँ तो गुरुदेव ने कहा बेटा इधर आओ मेरे पास आओ उनको अपने पास बुलाया और एक भगोने में पानी भरा हुआ रखा था भगोना खाना बनाया जो बड़ा भगवान होता है उसमें पानी भरा भरा रखा था और शिष्य को काश के सामने बैठाया और उसके सर से नाड़ पकड़ी और उसको पानी में डुबा दिया जैसे इसको पानी में उसकी नाड़ डूबी पूरा शरीर बाहर लेकिन जैसे ही मुंह उसका अंदर गया सांस आना बंद हो गया तो मुश्किल से दस पंद्रह सेकंड बीस सेकंड तीस सेकंड ही लगी थी कि वह झटपटाने लगा तड़पने लगा बिल्कुल चिल्लाने लगा तड़पने लगा बहुत परेशान हिलने लगा तो गुरु दिने गुरुदेव ने उसको एक डेढ़ मिनट के बाद बाहर निकाला तो ये समझो कि एक डेढ़ मिनट के बाद उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि मरण सर स्थिति हो गई थी बिल्कुल उसे उस समय कुछ भी नजर आता केवल और केवल दिख रहा था बस किसी तरह मुझे बाहर निकाल दे किसी तरह बाहर निकाल दे तो मैं मर गया हूं मैं मर गया हूं तो गुरुदेव ने कहा कि कैसा एहसास किया कैसा क्या गुरु ने दे? आपने मैंने आपसे क्या पूछा था और आपने मुझे तुम्हारी दिया था बिल्कुल ही मुझे तो ये गया था कि बस मेरे प्राण पगे उड़ गए बस एक ही मन में एक भाव आता है बस किसी तरह बाहर निकाल दे बस किसी तरह बाहर निकाल दे एक एक घड़ी एक एक सेकंड मुझे अंदर गुजारनी भारी हो गई थी बस मन में आता था कि बस किसी तरह बाहर निकाल दे दे गुरु तेरा किसी तरह बाहर निकाल बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची नहीं तो मैं तो, तो समझता कि मैं मर ही गया था तो अब आप समझे कि उस स्थिति क्या स्थिति थी उसे भगवान की भक्ति उसे ऐसोराम कुछ छोड़ दिया नहीं किसी का ध्यान नहीं रहा किस चीज का ध्यान रहा कि मुझे किसी प्रकार सांस आ जाए मुझे बाहर निकाल दे मेरी जान बचे बस मुझे बाहर निकाल दे मेरी जान निकल जान बच जाए तो एक ही चीज पर लगन आ गई बाकी सब चीजों की तरफ से मोह एकदम हट गया उसके पास कितना धन दौलत थे क्या कपड़े पहन रहे थे कौन से मोबाइल चलाता था कि कौन से वो बिजनेस करता था कौन सी के पास थे, सब हट गया सिर्फ एक चीज का लगा हुआ कि चीज कि मुझे किसी तरह बाहर निकाल दे मेरे प्राण बच जाए तो जब तक आपके अंदर वह श्रद्धा वह भाव आपके अंदर प्रबल नहीं होगा कि प्रभु मैं तो तेरा हूं बस मुझे तो आप चाहिए इसके अलावा जो कुछ मेरा संसार कार्य अपने आप हो रहा है जो खाने को मिल रहा है वो मुझे मेरे भाग्य में आएगा मेरे पास अपने आप चलकर आएगा और जो मैं कर्म कर रहा हूँ कर्म करें कर्म में कोई पीछे नटे कर्म करते रहे जो अपने कर्म करने का है अपने परिवार को चलाने का अपने बच्चों का पालने का मेहनत करे खूब मेहनत करे मेहनत करने की कोई आपत्ति नहीं खूब मेहनत करें लेकिन भाव केवल और केवल ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दे जिसको आप अपना इष्ट मानते हैं उसके चरणों में समर्पित कर दे फिर आपको सब कुछ प्राप्त होगा और जब आपको उसकी अनुकंपा प्राप्त हो जाए जब आपके ऊपर उसकी अनुकंपा आपको दिखने लगे तो आप समझ जाइए कि बस अब मेरा कार्य सिद्ध होने लगा है उसके बाद आप दूसरी सिद्धि साधना के लिए भी कर सकते हैं कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पहले एक को साध लें पहले एक से आशीर्वाद प्राप्त कर लें किसी तरीके से उनके अनुभव प्राप्त कर लें जब आपको उनके अनुभव हो जाएंगे उसके बाद में फिर आप दूसरी सिद्धि साधना के लिए कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा कि जब हमारे परदेव कृ कृपा होती है तो उसके अनुभव कैसे होते हैं हमें कैसे पता लगेगा कि हमने इस देवता की हमने या इष्ट देव की हमने भक्ति की थी हमें उसकी सफलता हो चुकी है उसका आशीर्वाद हमें मिल चुका है तो किन लक्षणों से ये चीज पता लगती है और ऐसा कौन सा लक्षण होता है जब दिव्य शक्ति कोई भी आती है तो वो सिर्फ एक ऐसा लक्षण देती है एक ऐसा लक्षण देती है जिससे लक्षण से आप समझ सकते हैं कि हाँ मेरे पास दिव्य शक्ति आ रही है सिर्फ एक महत्वपूर्ण लक्षण होता है वो क्या होता है मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा सभी भक्तों को जय श्री राम